हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपको 20 फीट बाय 40 फीट में ये हाउस प्लान का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हाउस का पूरा डिटेल हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों ये हाउस प्लान दोस्तों एकदम लग्जरी पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा बेड का नहीं है, लेकिन जो भी सिस्टम है वो एकदम लग्जरी स्टाइल में होना चाहिए। तो इसको हमने 2 BHK के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो चलिए 1 by 1 करके सारा डिटेल आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, अगर आपका एक परिवार है, सिंगल परिवार वाले हैं, तो ये हाउस प्लान आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस हाउस प्लान में एक खासियत और है कि यहाँ पर आपको एक कार पार्किंग का भी सेटअप देखने को मिल जाता है, जिससे ये इस घर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। ठीक है, अगर जो आप शहर में ये घर बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 by 1 करके सारा डिटेल शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम को क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं कॉलम की जो हाइट रहेगी वो आपको 10 फीट देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से जो सारा कॉलम है हम वो क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों जो कॉलम की साइज है वो आपको 9 inch by 9 inch का ही है। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, घर एकदम काफ़ी मजबूत रहेगा। और दूसरा चीज़ आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आपकी रेनफोर्समेंट है वो आपको 4 reinforcement देना है। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर तक ही बनाना है तो 4 reinforcement आपको 12 mm का देना है, प्लस आपको 10 mm का रिंग बना के उस 4 जो सरिया आप बनाएंगे कॉलम के लिए उसमें आपको प्रॉपर 6 inch की स्पेसिंग पे आपको बंदी कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरा कॉलम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा कॉलम हमने एकदम अच्छे से क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी चलिए आउटर की जो वाले हैं उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद से आपको सारा डिटेल हम समझा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो फ्रंट में कुछ वाल रहेगा वो हाइट को ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 फीट तक हाइट हम देंगे। ठीक है, यहाँ तक 5 फीट तक हाइट रहेगा, इससे आपको जो फ्रंट में है यानी कि ये थोड़ा सा ओपन एरिया रहेगा, थोड़ा सा और आपका अच्छा लुक रहेगा। ठीक है, थोड़ा आपका घर अच्छा रहे। और बगल वाला ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा खड़ा करना है, लेकिन यहाँ तक आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और हाइट हम ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो सारा कॉलम है कुछ इस तरीके से आपको वॉल है वो बाहर का वो क्रिएट कर देना है। दोस्तों कभी भी आप बाहर की जो दीवारें बनाएं, अगर जो आपके घर के बगल में घर बन चुका है ऑलरेडी सटा के, तो आप वहाँ पे 4 inch की दीवार चला सकते हैं। अगर आपका घर के साइड में यानी बगल में कोई भी घर नहीं बना है या दूसरे की ज़मीन है अभी बनाना है, तो उस केस में आपको 4 inch की जगह पर आप 9 inch भी क्रिएट कर लीजिए। उससे आपको दो फायदा होने वाला है। जिस फर्स्ट फायदा तो ये है कि आपका घर के जो मजबूती है वो काफ़ी अच्छा रहेगी। दूसरा फायदा ये है कि आपका सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका सिक्योर रहता है, क्योंकि 4 inch की दीवारें सही नहीं होती, सिक्योर नहीं रहती हैं, क्रैक आ जाता है बाहर की जो दीवारें हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, ये सब समस्या से आपको छुटकारा रहेगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं बाहर का जो ये आपको हम लेवल मार्किंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लिंथ लेवल यानी जो आपके घर की जो बाहर घर के सामने का जो रोड है उससे आपका घर का जो अंदर का एरिया है ये इतना हाइट रहेगा 2 फीट के हाइट पे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कार चढ़ाने के लिए भी स्पेस हमने काफ़ी अच्छे से बना दिया है। इस तरीके से आप अपनी कार को अंदर में ले जाके पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पूरा बाहर के जो दीवारें क्रिएट हो गया। अभी चलिए अंदर की जो दीवारें हैं उसको भी हम फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फटाफट से देख सकते हैं क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से सारा वॉल हमने फटाफट क्रिएट कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा। अब चलिए डोर विंडो का भी सेटअप कर देते हैं, किस तरीके से डोर विंडो है। तो देख सकते हैं ये फ्रंट में आपका पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे आपको एक पतला सा यहाँ पे जो प्लिंथ लेवल के ऊपर का दीवारें जो है चला देना है। देखिए प्लिंथ लेवल हम मार्क नहीं कर पा रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर पहले प्लिंथ लेवल बोल रहे हैं लिंटेल लेवल यहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर में ये आपका दीवार चला देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ से आप अपना बड़ा सा यहाँ पे आप मेन गेट लगा सकते हैं जिसमें अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर का एरिया है इसको भी हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं ये यहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप एक जाली डाल देंगे चाहें तो, जिससे इस घर का और भी सुंदर लुक होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया, अब ये एरिया तो ऊपर से पैक हो गया। ठीक है, और नीचे में ये इतना पे आप जाली डाल देंगे जिससे आपका घर में काफ़ी उजाला रहेगा। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पे एक डोर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डोर है, इसको भी ऐड कर ले। देख सकते हैं यहाँ पे जो चौड़ाई है 3 feet 3 inch है, जो हाइट है 7 feet का रहेगा। देख सकते हैं अपने गेस्ट रूम में एंट्री कर लेंगे। गेस्ट रूम से एंट्री करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक आपको और डोर देखने को मिलेगा जो आपको अंदर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट रूम से होके आप अपने ड्राइंग हॉल में चले जाएंगे, यानी ये एरिया में चले जाएंगे,
और यहीं पे आपको किचन का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। यह आपका किचन वाला एरिया है और यहाँ पे आपको एक डोर का सेटअप देखने को मिलेगा, सॉरी विंडो का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको विंडो का भी सेटअप यहाँ पे मिलेगा, जिससे देख सकते हैं काफ़ी ये आपका विंडो का जो भी वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेयर केस का सेटअप है, कुछ इस तरीके से आपको स्टेयर केस का सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको। ठीक है, तो ऐसे सीढ़ी जाएगा और यहाँ पे जाके टर्न होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट देखने को मिलता है। तो ये कॉमन टॉयलेट कुछ इस तरीके से आपको रहेगा। कॉलम का जो आपका ये टॉयलेट का जो डोर का जो साइज़ है वो 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का देखने को मिलता है। ये आपका थोड़ा सा एरिया है, हाथ धोने वाला वाश बेसिन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका OTS वाला एरिया है जो ओपन टू स्काई रहेगा, इसलिए हमने इसको इधर छोड़ दिया है। और यह जो अंदर में आपका एक बेडरूम रहेगा वो दोस्तों अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको भी हमने इस दीवार से कनेक्ट कर दिया और साइज़ रहेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। ठीक है, और ये आपका जो मेन डोर है, मेन डोर के लिए भी यहाँ पे एक आपको हम देख सकते हैं डोर लगा देंगे। ठीक है, ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा बन के रेडी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, अभी हम आपको इसका डायमेंशन डिटेल भी सारा समझा देंगे किस तरीके से। अगर जो ये आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसको यहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं, सॉरी ये देख सकते हैं, अभी हमें बता देता हूँ, ये जो लाइंस हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये लाइन है, यहाँ पे आप चाहें तो सीधा एक विंडो का भी सेटअप कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे एक विंडो लगा दीजिए सीधे सीधे, और यहाँ से इसको विंडो को कट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कट नहीं हुआ क्योंकि पीछे में जो दीवार है वो का कलर थोड़ा डल था, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये वाला एरिया आपका जो विंडो का है वो खाली हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों अभी हो गया, अभी चलिए हम आपको डायमेंशन डिटेल का पूरा हम डिटेल दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके डायमेंशन डिटेल आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए इस, तो देख सकते हैं अभी चलिए हम डायमेंशन टूल ले लेते हैं यहाँ से, सॉरी देखिए डायमेंशन टूल ले लिया मैंने, अभी देख सकते हैं यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक आपको 10 फीट 4 इंच देखने को मिलता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको 12 फीट 4 इंच देखने को मिलता है। ये आपका बेडरूम का साइज़ है। अगर टॉयलेट की बात करें, बेडरूम से जो अटैच है वो 4 फीट बाई, ये देख सकते हैं 4 फीट बाई आपको 5 फीट 10 इंच का देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये टॉयलेट की अगर जो हम बात करें तो देख सकते हैं 5 फुट 7 इंच बाई 3 फीट 8 इंच का देखने को मिलता है, बाकी एरिया बचा हुआ OTS में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका स्टेयर केस है, तो देख सकते हैं 6 फीट विड्थ है इसकी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। और बात करते हैं हाल की, तो देख सकते हैं हाल आपको 9 फीट 9 इंच की इसकी लंबाई, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 9 फीट 8 इंच का देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से किचन की अगर हम बात करें तो किचन 8 फीट इसकी चौड़ाई है, देख सकते हैं 8 फीट 6 इंच इसकी लंबाई है और 7 फीट 7 इंच इसकी चौड़ाई है, जो कि 8 फीट है। देखिए थोड़ा सा ये एरिया कट हो रहा ना, इसके वजह से आपको कम देखने को मिलता है, देखिए 8 फीट है। ठीक है, अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जी आपका गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम आप देख सकते हैं 14 फीट का है इसकी जो लंबाई, और चौड़ाई की बात करें तो हम यहाँ से लेंगे ये वाला एरिया में तो 9 फीट 8 इंच देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको पार्किंग एरिया भी एक देखने को इसमें मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मेजर कर देते हैं, 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 13 फीट 2 इंच का आपको है, काफ़ी अच्छे से कोई भी एक कार आप पार्क कर सकते हैं। देख सकते हैं 4 फीट इसकी चौड़ाई है और 9 फीट 3 इंच की इसकी लंबाई है, जो आपका यहाँ पे फुल प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं या अपना बाइक वाइक भी पार्क कर सकते हैं इधर एरिया में। ठीक है, तो देख सकते हैं इधर पे रैंप में हमने बना दिया है जिससे आप अपना कार अच्छे से इसमें चढ़ा सकें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा हाउस प्लान का हमने डिटेल आपको बता दिया। तो दोस्तों इसका इससे रिलेटेड कोई भी आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर केवल मैसेज करिए क्योंकि कॉल का रिप्लाई हम सबको दे नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर जो PDF चाहिए तो वो भी आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।